नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी आपका स्वागत करती हूँ जनउदय में। राजस्थान के भिवाड़ी के चौपांकी थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स को पुलिस बहुत बुरी तरीके से मारती नजर आ रही है। इसी की जांच पड़ताल करने जनउदय की टीम पहुंची। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिनेश खुराना, आप देख रहे हैं जनउदय न्यूज। आज हम चौपांकी जिला अलवर राजस्थान में है, जहाँ पर एक उद्योगपति के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। आइए इसी विषय में बात करते हैं उसी उद्योगपति से जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। आप अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण गोयल। आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया? हमारे साथ पुलिस कर्मचारी ने बहुत गंदा व्यवहार किया हमारे साथ। बिल्कुल। किस वजह से गंदा व्यवहार किया? एक हमारी लेबर थी जो बिना तलाशी दी जा रहा था बगैर बताए, तो हमने उसे कहा कि भाई तू तलाशी दिए गए फिर जाए यहाँ से। उसने साफ इनकार कर दिया, साफ साफ बिल्कुल मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो फिर मैंने भाई अपने संजय को फ़ोन किया, संजय ने फिर पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया, तो उसने कहा ना भाई कौन है तुम्हारे मालिक? मैं जी मैं ही हूँ। तो फिर उसने अंदर बढ़ते ही दे मार लात घुसे, माँ बहन की बुंडी बुंडी गाले देनी शुरू कर दी और मुझे धकेलते हुए जिना जानवरों की जगह बिल्कुल घसीटते हुए गाड़ी के अंदर बिठाया और गाड़ी के अंदर बिठा के उसमें लात घुसे मारे और फिर उसमें कहा घना ज़्यादा करोगे तो और हम तो जान से मरवा देंगे। इतना कह के थाने में ले गए। थाने में भी उसने हमें बहुत पीटा, बहुत वो कराया, लाभ की बेल्ट निकालो, बेल्ट भी निकलवा के फिर उन्होंने चलो कमरे में चलो और हम आपका रिमांड लेते हैं। तो भी उसने हमें कमरे के अंदर बिठा लिया और फिर मैं बहुत रोया वहाँ पर जाके, लेकिन उसने हमारी कोई नहीं सुनी जी। बिल्कुल आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं जी। कॉल किसने किया था? कॉल संजय भाई साहब ने किया था जो हमारे बड़े भाई ही है। संजय जी आपने कॉल किया था पुलिस को? हाँ मैंने कॉल किया था सर पुलिस वालों को। रविंदर ने फोन उठाया था, रविंदर से मेरी बात हुई कि मैंने बताया कि फैक्ट्री में ऐसे ऐसे हमारे साथ ये वाक़ा हो गया, एक बार जनाब हमारी हेल्प कीजिए। तो वो बोले कि मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। वो 10 मिनट में फैक्ट्री में पहुँचा है और उसने जो छोटे भाई प्रवीण गोयल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है, जानवरों की तरह मारपीट करना शुरू कर दिया। एक उद्योगपति है, एक छोटा उद्योग लगा के हम अपने क्षेत्र को छोड़ के राजस्थान में आए हैं उद्योग चलाने के लिए और ये ऐसे व्यवहार कर रहे हैं चौपांकी में। ऐसा पुलिस गुंडा राज हमने शायद कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ये चौपांकी में पुलिस का गुंडा राज ऐसे उद्योग लगाने वालों के साथ, व्यापारियों के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, माँ बहन की गालियां देंगे, मारपीट करेंगे। हमें ये शोभा नहीं देता। हम डरे हुए हैं, भय के माहौल में सहमे हुए हैं। हमारी एसपी साहब से गुजारिश है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस मुलाजिम के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ताकि हम अपना व्यापार और उद्योग चला सकें। अभी तक आपने कोई कंप्लेंट करी है? कंप्लेंट नहीं करी है सर। अब हम जाएंगे कंप्लेंट करने के लिए। हम कंप्लेंट करने के लिए हमारी हिम्मत नहीं बन पा रही क्योंकि हमारे को भय का माहौल सा बना हुआ है कि हमारे साथ और कोई को घटना नहीं हो जाए। हमारे को रविंदर ने प्रवीण गोयल को जान से मार देने की धमकी दे रखी है, इसलिए हम माहौल से डरे हुए हैं। हमारी एसपी साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है और मेरी माननीय सीएम साहब से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अशोक गहलोत जी से भी, कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और व्यापार उद्योग को शांतिप्रिय चलाया जाए। कल जो घटना हुई है, आइए इसी विषय में बात करते हैं इसी कंपनी के कुछ लेबर से। क्या नाम है आपका? सुशील। यहाँ कल क्या हुआ था? कल वो भाई साहब उनको बोल रखे थे कि 25 को चले जाना, तो उन्होंने बिना बोले जा रहे थे। तीन लड़के तो यूपी के बलरामपुर के साइड के रहने वाले हैं, तो वो बिना बोले जा रहे थे। तो बिना दो तो चले गए बिना चेक कराए हुए। एक फिर अचानक ऊपर में था तो उसने बोला शिव भाई आके मेरा बैग चेक कर लो और अचानक मैं जा रहा हूँ। तो फिर भाई साहब को मैंने फ़ोन करके बुलाया और फिर भाई साहब ने उनको रोका, बोला 25 तारीख को चले जाना, अभी मेरे पास लेबर नहीं है, मुझे दिक्कत हो रखी है, ये सब बात हुआ था। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि वो आप लोगों को बंधक बना के रखते हैं, क्या ये सही है? जी नहीं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा? अभी तो सर उसी लड़के को पता होगा कि उसने ऐसा क्यों कहा। जो हमारे सारे यहाँ कई लेबर हैं उनसे पूछ लीजिए, ऐसा कोई बंधक नहीं। कितनी लेबर काम करती है यहाँ पर? यहाँ लेबर तो सर अभी तो गाँव चली गई है, वैसे तो यहाँ कम से कम 50 से 60 लेबर काम करती है। आपको कितना समय हो गया यहाँ काम करते हुए? मेरे को तो सर 10 से 12 साल हो रहा है। 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल में कोई ऐसी घटना आई हो आपके मालिक द्वारा या किसी और के द्वारा जो आपको परेशान किया हो, प्रताड़ित किया हो?
जी नहीं, ऐसे तो कोई वो नहीं है, बस ऐसे पहली बार ऐसा हुआ। पहले कंपनी दिल्ली थी, ऐसी कोई हम लोग पहले वहाँ बाहर रहते थे, अब तो यहीं पे रहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे जन उदय के साथ। प्लीज लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।